आगे बढ़ते हैं वाराणसी से। बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा है। आपत्तिजनक बयान मामले को लेकर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है अजय राय पर। आज अजय राय सार्वजनिक सभा जुलूस रोड शो नहीं कर पाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नीतीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीतीश, कौन सा बयान दिया था जिसके बाद अब ये प्रतिबंध लगा दिया गया, एक्शन हो गया अजय राय पर? एक छोटी सभा के दौरान अजय राय का एक बयान सामने आया था और उस बयान के सामने आने के बाद जो राजनीतिक हलचल है यहाँ की बड़ी थी, वो सोशल मीडिया पर वो बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नमक डाल के और उस नमक डाल के गाड़ने जैसी बातें उसमें सामने थी। और अब उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद अजय राय पर आज सुबह 8 बजे से लेकर 24 घंटे तक का प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के दौरान अजय राय सार्वजनिक सभा हो, जुलूस हो, रैली हो, रोड शो हो, साक्षात्कार हो या फिर वक्तव्य कथन, सारी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। और अब 24 घंटे के बाद ही, आज 8 बजे से 24 घंटे के बाद ही अजय राय ये सारी चीजें कर सकेंगे। तो चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं प्रतिबंध और अजय राय पर चुनाव आयोग का डंडा। जी चलिए, शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। चुनाव में वक्त बहुत कम है और ऐसे में मुश्किलें बढ़ गई हैं अजय राय की। 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई जुलूस कोई सभा नहीं कर पाएंगे 24 घंटे तक।